नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिनभर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पेश है आज दिनभर के मुख्य समाचार। शिमला में सुबह झमाझम बरसे बादल, दोपहर को 3 दिन बाद खिली धूप, बर्फबारी से अटल टनल रोहतांग बंद। राजधानी शिमला में आज सुबह बादल झमाझम बरसे, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक शहर में भारी बारिश हुई। दोपहर को 3 दिन के बाद शहर में धूप खिली, बर्फबारी से अटल टनल रोहतांग पर आवाजाही बंद हो गई है। सोलंग नाला में ही सैलानियों के वाहन रोक दिए गए, पेड़ गिरने से 5 घंटे तक आनी कुल्लू NH ठप रहा। सोलन, मनाली, चंबा, डलहौजी, कुफरी और नारकंडा में भी बारिश रिकॉर्ड हुई। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 5 मई की रात से फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार हैं। 9 मई तक मौसम खराब बना रहने की संभावना जताई गई है। जिला कुल्लू और लाहौल में लगातार 3रे दिन भी बर्फबारी व बारिश का दौर लगातार जारी रहा। आज अटल टनल रोहतांग सैलानियों के लिए बंद रखी गई, पर्यटकों को सोलंग नाला में ही रोका गया। दोपहर बाद मौसम खुलने पर कुछ सैलानी धुंधी तक पहुंचे और ताज़ा बर्फ का लुत्फ उठाया। गोवा की तर्ज पर गोविंद सागर झील में उतरेंगे क्रूज, कर सकेंगे लग्जरी पार्टियां। कीर्तपुर नेरचौक फोलेन शुरू होने के बाद बिलासपुर की गोविंद सागर झील में गोवा की तर्ज पर क्रूज और डल झील की तर्ज पर शिकारे उतारने की तैयारी पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन कर रहे हैं। क्रूज में सैलानी लग्जरी पार्टियां कर सकेंगे, यहां खाने पीने से लेकर हर तरह की सुविधा मिलेगी। निवेश के लिए बड़ी कंपनियां पर्यटन विभाग के संपर्क में है। तैयारी होने के बाद पर्यटन विभाग को झील में शिकारे, क्रूज और सभी प्रकार की बोट उतारने के लिए भांखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की मंजूरी का इंतजार है। मोटे अनाज के बीज पर 30 रुपये प्रति किलो सब्सिडी दे रहा कृषि विभाग। रागी, कोदरा, स्वांक, बाजरा और कुटकी के बीज पर कृषि विभाग 30 रुपये प्रति किलोग्राम अनुदान देगा। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए खाद्य और कृषि संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। वहीं मोटा अनाज मधुमेह, खून की कमी पूरा करने और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में लाभदायक होता है। बता दें कि जिला चंबा में प्राचीनतम समय से मोटे अनाज की खेती की जाती है। कुछ समय से मोटे अनाज के अंतर्गत क्षेत्रफल धीरे धीरे कम हो रहा है। अब मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि विभाग अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। विभाग ने अब तक 40 जागरूकता शिविर भी लगाए हैं। प्रीतम चौहान को भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के मुख्य कोच की कमान। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल कोच प्रीतम सिंह चौहान को एक बार फिर से भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के मुख्य कोच की कमान सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति से खिलाड़ियों और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम काठमांडू नेपाल में 22 से 28 मई तक होने वाले चैलेंजर कप में दमखम दिखाएगी। वहीं इससे पहले भी प्रीतम चौहान 2021 में तेहरान में हुई विश्व वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भारतीय टीम के मुख्य कोच रह चुके हैं। कुलदीप पठानिया बोले, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में सदन के महत्वपूर्ण विषयों को चर्चा में लाएंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सदन लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। जून में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में इससे संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को चर्चा में लाया जाएगा। इससे आने वाली पीढ़ी लोकतंत्र के महत्व को समझेगी और आमजन में इसके प्रति और अधिक विश्वास जागृत किया जा सकेगा। पठानिया ने कहा कि राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन इस दिशा में एक अहम कदम होगा तथा इसके देश हित में दूरगामी परिणाम होंगे। पठानिया ने कहा कि 14 जून से 18 जून 2023 तक मुंबई में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के आयोजकों के साथ प्रारंभिक बैठक में भाग लेने के लिए बुधवार सुबह वो पुणे से मुंबई पहुँचे। हिमाचल लोक सेवा आयोग कॉलेजों को मिलेंगे केमिस्ट्री के 30 नए असिस्टेंट प्रोफेसर, भर्ती परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों को केमिस्ट्री विषय में 30 नए असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग ने आज चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम जारी कर दिया। आयोग के सचिव ने बताया कि 1 दिसंबर 2022 को लिखित परीक्षा हुई थी। 108 अभ्यर्थी पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए चयनित हुए थे। 26 अप्रैल से 1 मई तक इन अभ्यर्थियों का पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ। नवनीत कपूर होंगे अतिरिक्त सचिव सूचना एवं जनसंपर्क, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य सचिवालय सेवा के 3 अधिकारियों के तबादला व तैनाती आदेश जारी किए हैं। HPSS अधिकारी नवनीत कपूर अतिरिक्त सचिव सूचना एवं जनसंपर्क तैनात किए गए हैं।
दुर्गेश नंदनी को अवर सचिव मुद्रण एवं स्टेशनरी के पद पर तैनाती दी गई। वह इस पद से अवर सचिव एमपीपी पावर बो एनसीईएस कुलतार सिंह राणा को कार्यभार मुक्त करेगी। वहीं पदोन्नति पर अनिल कुमार को अवर सचिव शिक्षा लगाया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। स्पीति घाटी की महिलाओं को 1500 रुपये, वित्तीय स्थिति पर तैयार होगा श्वेत पत्र, जाने बड़े फैसले। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में स्पीति घाटी की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपये प्रतिमाह देने का फैसला लिया गया। वहीं इसमें 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की घाटी की बोध भिक्षुणी छोमो भी शामिल है। वहीं राज्य की वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र तैयार करने के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। इसमें कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सीधी भर्ती के माध्यम से लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल के 50 पद और कनिष्ठ प्रारूपकार के 30 पद, जल शक्ति विभाग में सहायक अभियंता सिविल के 15 पद और कनिष्ठ अभियंता सिविल के 50 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला कांगड़ा के आयुष विभाग में प्रवक्ताओं के 4 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। दूसरी ओर कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए स्टैंप ड्यूटी के संग्रह के लिए राज्य में ई स्टाम्पिंग शुरू करने को भी मंजूरी दी। भौतिक स्टाम्प पेपरों की छपाई तत्काल प्रभाव से बंद करने और स्टाम्प वेंडरों को अधिकृत संग्रह केंद्रों के रूप में अधिकृत करने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक स्टाम्प की दोहरी प्रणाली यानी भौतिक स्टाम्प पेपर और ई स्टाम्प पेपर को जारी रखने की भी अनुमति दी। 1 अप्रैल 2024 के बाद भौतिक स्टाम्प पेपर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त बात करें तो कैबिनेट ने सभी पात्र विद्यार्थियों को DBT के माध्यम से स्कूल यूनिफॉर्म के बदले 600 रुपये देने का फैसला किया। साथ ही राजस्व विभाग में नंबरदारों के मानदेय को प्रति माह 3200 से बढ़ाकर 3700 रुपये करने का भी निर्णय लिया। इससे प्रदेश के लगभग 3170 नंबरदार लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने राजस्व चौकीदार अंशकालिक कर्मियों का मानदेय 5000 से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी। इससे लगभग 1950 राजस्व चौकीदार अंशकालिक कार्यकर्ता लाभान्वित होंगे। तो ये हैं दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।